हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि मैं पता कि गेट 2022 का एग्ज़ाम ऑलरेडी ओवर हो चुका है एंड आज अभी 1 घंटा पहले ही IIT खड़गपुर ने आंसर की भी निकाल दी है एंड दिस इज़ ऑफिशियल आंसर की एंड फॉर ऑल ब्रांचेज इट इज़ अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट। लाइक आपको लॉग इन करना होगा एंड आपको आपकी आंसर की मिल जाएगी एंड नाउ यू कैन कैलकुलेट योर एग्जैक्ट मार्क्स। लाइक पहले तो हम जो अपने मार्क्स पता चल रहे थे वो रफली पता चल रहे थे क्योंकि उनके जो पहले हमारे पास आंसर थे वो किसी इंस्टीट्यूट की आंसर की के ऊपर बेस्ड थे। सो लाइक दैट आर नॉट ऑफिशियल, बट अब हम अपने एग्जैक्ट नंबर पता लगा सकते हैं, ठीक है। एंड अगर किसी कारणवश आपके नंबर कम आ रहे हैं तो प्लीज़ अभी होप मत लूज़ कीजिए, बिकॉज और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेट एग्जाम से ही हर जगह एडमिशन होता है। जैसे अगर आप PSU में देखेंगे, HL का फॉर्म आ चुका है ऑलरेडी, बार का फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है। एंड देन अगर अलग डिफरेंट कॉलेज का देखेंगे, IIIT हैदराबाद का फॉर्म आज या कल परसों में आ जाएगा, जो एडमिशन पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। एंड देन ISI कोलकाता का भी 1 मार्च से ओपन होने वाला है एडमिशन पोर्टल। एंड इन सब पे वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, बाहर पे वीडियो नहीं आई है, बट HL, ISI कोलकाता एंड IIIT हैदराबाद, इनके वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुकी है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कहाँ मिलेंगे आपको वीडियोज़। तो जैसे ही आप यहाँ पे YouTube पे आएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे जतिन गुप्ता गेट, तो यहाँ पे आपको चैनल का आइकन दिखा देगा। 162 वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुके हैं, इसमें मोस्टली अबाउट 150 के अराउंड PYQs के लिए, गेट PYQ CSE के रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो IIIT हैदराबाद के ऊपर 3 वीडियोज़ अभी तक आई हैं। द फर्स्ट वीडियो इज IIIT हैदराबाद का PGW एग्ज़ाम में क्या क्या होता है, लाइक एलिजिबिलिटी क्या है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। देन इस वीडियो पे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि एप्टीट्यूड के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। देन सेकंड वीडियो इज मेड ऑन एप्टीट्यूड, लाइक हाउ टू प्रिपेयर फॉर PGW एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड के रिसोर्सेज क्या हैं, 2021 का मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, 2019 के मॉक टेस्ट भी हैं वो भी आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे एक और एक थर्ड वीडियो थी CSE पेपर के लिए, जो हमारा टेक्निकल वाला पेपर होता है उसको उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, 2021 का कैसा एक्सपीरियंस था एंड 2019 का मॉक पेपर। देन दिस वीडियो इज़ फॉर HL। HL में ज़्यादा वैकेंसी नहीं है फॉर CSE, बट आप फिर को फिल करना है। लाइक आपको ये नहीं देखना कि कितनी ज़्यादा कितनी वैकेंसीज हैं, लाइक आप 2 सीट्स थी मे बी प्रोबेबली अनरिजर्व के लिए, बट ठीक है कोई बात नहीं, जस्ट अदर प्रैक्टिस ही आप दे दीजिए क्योंकि तो आना यहाँ पे भी गेट का सिलेबस ही है। देन दिस इज़ ISI कोलकाता का एग्ज़ाम जो 1 मार्च से ओपन हो जाएगा। इसमें भी सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी हैं। ISI कोलकाता में 2 M.Tech के प्रोग्राम है, CSE एंड CERS का, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अपने जो आज का मेन है वीडियो का उसमें चलते हैं। तो आंसर की आउट हो चुकी है, आंसर की मिलेगी कहाँ से आपको वो आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आप सर्च कर यहाँ पे लॉग इन करेंगे अपनी GATE 2022 की वेबसाइट पे, योर लॉग इन एज आपका नेम आ जाएगा। देन एनरोलमेंट ID, एप्लीकेंट नेम, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर GATE पेपर 1, व्यू एग्जाम डिटेल्स CS एंड डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस पर जब क्लिक करेंगे व्यू एग्जाम डिटेल्स पे, तो यहाँ पे आपको एक रीडायरेक्ट करके एक न्यू उस पे ले जाएगा लिंक पे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास फिर से आ रहे हैं, व्यू योर रियल टाइम रिस्पॉन्स CS, रियल टाइम रिस्पॉन्स जो आपने जो आपके पेपर में जिस ऑर्डर में क्वेश्चन आए थे वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है, ये वाला वो व्यू योर रियल टाइम रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे तो। एंड डाउनलोड मास्टर क्वेश्चन पेपर, मास्टर क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करने से आपको आपके पास एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर आ जाएगा जो IIT खड़गपुर ने निकाला है, ठीक है, जिससे कोई भी देख सकता है उस मास्टर क्वेश्चन पेपर को। एंड इस मास्टर क्वेश्चन का पेपर का जो ऑर्डर होगा एंड जो आपके क्वेश्चन पेपर का ऑर्डर होगा वो ऑब्वियसली अलग होगा, बट ये जो मास्टर क्वेश्चन पेपर है ये सबके लिए सेम रहेगा, लाइक इट इज़ सेम फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल, इसका जो ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन है सेम रहेगा, ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन। जैसे मैंने जिस स्टूडेंट्स की ये लॉग इन करके यहाँ पे डाउनलोड करूँगा मास्टर क्वेश्चन पेपर, उसका जो मास्टर क्वेश्चन पेपर होगा और किसी और ने अगर मास्टर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करा होगा, दोनों का सेम होगा, ठीक है, बट ये जो रिस्पॉन्स शीट है ये उसकी अलग होगी। एंड यहाँ पे जो आंसर की दे रखी है डाउनलोड आंसर की, इस पर क्लिक करेंगे तो आंसर आंसर की एक PDF खुल जाएगी, 2 पेज की PDF है, उसमें सारे आंसर दिए हुए हैं विद कितने विद हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है वो भी दिया हुआ है, ठीक है। और ये आंसर की इस मास्टर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग है। एंड अगर आपको मैन्युअली चेक करना हो तो ये वाली इस पेज पे जो आपके रिस्पॉन्सेज हैं ये सारे 1 से लेकर 65 के सारे आपके रिस्पॉन्सेज हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सेज फॉर द मास्टर क्वेश्चन पेपर। तो ये जो जिस ऑर्डर में क्वेश्चन ही अरेंज हैं ये एज पर द मास्टर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग अरेंज है। एंड जो आंसर की है ये भी आपके मास्टर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग है, तो आपको मैन्युअली चेक करने में ईजिली हो जाएगा, ठीक है, कि जैसे यहाँ पे फर्स्ट का आंसर आपने जो भी फिल करा होगा इस आंसर की में देख सकते हैं वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आपको उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो एक हो गया मैन्युअली चेक करने का।
एंड मैनुअली के अलावा जो तरीका होता है कि आप गेट 22 स्कोर प्रेडिक्टर वाली वेबसाइट्स पे जाके आप अपना डायरेक्टली ये इसका जो रिस्पॉन्स शीट का यूआरएल लिंक है ये डायरेक्टली कॉपी कर देंगे, तो आपको वो विद इन अ सेकेंड्स लाइक 5 to 10 सेकेंड्स में आपको कैलकुलेटर पर बता देगा क्योंकि आपका स्कोर कितना है। बट अभी जस्ट गेट ओवरफ्लो की वेबसाइट जो है, गेट ओवरफ्लो का जो रैंक प्रेडिक्टर है वही अपडेट हुआ है एज़ पर द आंसर की। बट मेड इजी और गेट अकेडमी इनका भी अपडेट नहीं हुआ है, इनका भी अपडेट नहीं हुआ है। तो मोस्ट प्रॉब्ली बाय द एंड ऑफ द दिस डे ये अपडेट, ये भी अपडेट हो जाएगा, देन इस पर भी आप चेक कर सकते हैं। बिकॉज गेट ऑफ फ्लो के लिए तो आप सी एस सी के लिए चेक करेंगे एंड बट बाकी अगर आपको और भी वेबसाइट्स के लिए और भी ब्रांचेस के लिए चेक करना हो तो ये दीज आर प्रेफरेबल लाइक मे डी जी, गेट अकेडमी और अन अकेडमी भी आपको यूज़ करना तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये भी बाय द एंड ऑफ द डे जल्दी अपडेट होने वाले हैं। बट सी एस सी का गेट ऑफ फ्लो अपडेट हो चुका है तो आप यहाँ पे आके ऑटोमेटिकली भी चेक कर सकते हैं और मैनुअली भी एक बार देख सकते हैं कि आपको मैनुअली अगर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ कहाँ गलती करी है। एंड जब आप आने आगे और पेपर देंगे जैसे ट्रिपलेटी हैदराबाद का एज कोलकाता का, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपने क्या क्या गलतियाँ करी थी और उसको वापस फिर से दोहराना नहीं है, ठीक है। और आपको दिखा देता हूँ आपका मास्टर क्वेश्चन पेपर कैसा दिखेगा और आंसर की कैसे दिखेगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे ये इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड मास्टर क्वेश्चन पेपर पर एक पीडीएफ खुल जाएगी, तो टोटल 41 पेज की पीडीएफ है फॉर सीएस एंड यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। और ये जो ऑर्डर का क्वेश्चन है सबके लिए सेम रहेगा मास्टर क्वेश्चन पेपर का। एंड जो आंसर की है, आंसर की भी 2 पेज की है, 1 से लेकर 65 तक क्वेश्चन है एंड यहाँ पे हर कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, देन क्वेश्चन का टाइप MCQ, MSQ, NET कौन सा टाइप का है, जनरल सब्जेक्ट नेम, जो सब्जेक्ट नेम क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जनरल एप्टीट्यूड और जो हमारा टेक्निकल वाला सेक्शन है कंप्यूटर साइंस वाला सेक्शन। एंड की में आंसर क्या है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डी है और ये फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, हम मास्टर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं ये वाला जो वर्बल वाले से पूछा हुआ था, ठीक है। एंड कितने मार्क्स है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो ईजिली आप देख सकते हैं। एंड गेट ओवरफ्लो की वेबसाइट है गेट CSE रैंक प्रेडिक्टर वाली, तो यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स डालेंगे तो वो आपके नंबर बता देगा कितने आए। एंड मेड इजी की अभी तक अपडेट नहीं हुई है बट बाय द एंड ऑफ द डे अपडेट हो जाएगी। और आपको और भी रैंक प्रेडिक्टर चेक करना तो डायरेक्टली देख सकते हैं गेट 2022 रैंक प्रेडिक्टर, जैसे गेट अकेडमी का है, देन मेड इजी का है, देन थर्ड वन इज अन अकेडमी, तो आपको ये सारे डिफरेंट रैंक प्रेडिक्टर्स मिल जाएंगे। और अगर आपका प्लीज़ अभी लो स्कोर आ रहा है तो प्लीज़ अभी लो मत फील कीजिए, बिकॉज आपने जो प्रिपरेशन करी है आपको उसके रिजल्ट ज़रूर दिखेंगे, अभी नहीं दिख रहे बट कुछ टाइम बाद दिख जाएंगे, ठीक है। सो प्लीज़ अभी पेरेंट्स के साथ बात कीजिए, अपने करियर के बारे में सोचिए कि और मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, कि मैं जॉब में जाना, अगर आपके कम नंबर आए तो जॉब में जाना है या फिर और डिफरेंट पेपर्स को एक्सप्लोर करना है। सो प्लीज़ अभी थोड़ा डिप्रेस मत फील कीजिए, जस्ट सोचिए कि आगे इन फ्यूचर आपको क्या करना है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।